देखिए 400 का, आप 400 को फिर से ऐसे ही पहले आप 2 से डिवाइड करके देखो, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होता तो आप किससे करोगे, 5 से करोगे, तो 5 से डिवाइड हो गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट में आप ये सारे नंबर्स इसके जो प्राइम फैक्टर है वो लिख लीजिए, फिर से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना तो इस पेयर में से 2 बार, इस पेयर में से ये और इस पेयर में से ये 5, तो 5 2 10 2 20, तो इसका 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद 1764, आप उसके प्राइम फैक्टर करिए, पहले जो 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 882, फिर 2 से करेंगे तो 441। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 3 से होगा 147, फिर 3 से करेंगे तो 49, फिर ये 5 से नहीं होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, 7 से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनको स्क्वायर रूट में लिखोगे और पेयर्स बनाओगे, अब उन पेयर में से एक एक डिजिट बाहर निकालोगे, और ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि हम जब पेयर में से एक एक डिजिट बाहर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट वहीं पे हट जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 237, और तो फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 6 7 42, तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 42।